नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कुल देवी को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि उस वीडियो को आपने बहुत सराहा है और बहुत लोगों ने कमेंट्स किया है कि हम हमारी कुल देवी को कैसे जाने, क्योंकि हमें कुल देवी के बारे में पता नहीं है। तो मैं आज आपको आपके गोत्र के हिसाब से आपकी कुल देवी का नाम बताऊंगा, यानी कि जो आपका गोत्र है उसके हिसाब से आपकी कौन सी कुल देवी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको अपने गोत्र पता होना चाहिए। देखिए क्या है कि गोत्र सभी लोगों का होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पापा से पूछ सकते हैं, अपने दादाजी से पूछ सकते हैं, अपनी दादी से पूछ सकते हैं। इन लोगों को आपके गोत्र के बारे में जरूर पता होगा। तो आप अपना गोत्र को ध्यान रखिए। मैं आज आपको करीबन 92 गोत्र के बारे में बताऊंगा और उनकी कुलदेवी के बारे में बताऊंगा। इनमें से कोई भी आपका गोत्र हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बामदेव, बामदेव की जो कुल देवी है वह है बामेश्वरी। अत्रि गोत्र की शिवप्रिया, वशिष्ठ गोत्र की भट्टारिका या सत्या, और शुक्र या भृगु जो गोत्र है उसकी विश्वा या विश्वेश्वरी। कर्णव गोत्र की भद्र विलासिनी, पाराशर, प्रभावती या संहारी। विश्वामित्र गोत्र की जया देवी, कपिल गोत्र की शांता देवी, शौनक देव गोत्र की कांता देवी, याज्ञवल गोत्र की दुर्गेश्वरी, भारद्वाज गोत्र की श्री माता या सरस्वती, जमदग्नि गोत्र की विद्रुमा, गौतम गोत्र की विकारनवशा या विशालेशा, मुद्गल गोत्र की वाणी या व्यापनी, देवव्यास गोत्र की विमलेश्वरी, लोमश गोत्र की तमो अपहारिणी, अगस्त गोत्र की सूक्ष्मा, कौशिक गोत्र की गोत्रपा या विश्वयोनी, वत्स गोत्र की सिद्धा या सिद्धेश्वरी, पुलस्त गोत्र की विश्वा या वशा, मांडुक गोत्र की पद्मालया, दुर्वाशा गोत्र की पाराशोभा, नारद गोत्र की भद्रा या भद्रेश्वरी, कश्यप गोत्र की पिप्पली या त्रिपदा, अंगिरस गोत्र की विद्युत प्रभा, पातंजलि गोत्र की स्वयंप्रभा, मरीच गोत्र की चारुमुखी, चवन गोत्र की विभावरी, वात्सायन गोत्र की जयेशी, शांकृत्य गोत्र की माधवी, गर्ग गोत्र की देविका, अंगिरा गोत्र की प्रचंडा और क्रतु गोत्र की शांभवी, शोकालीन गोत्र की पुरुहुता, सोपायन गोत्र की मंदा देवी, सोपर्णी गोत्र की बारा रोहा, मैत्रेय गोत्र की पुष्यरावती, अधमर्षण गोत्र की मदोत्कटा, आपलवान गोत्र की प्ररूणनी, अष्टिशेण गोत्र की शुभानंदा, अग्निवेश गोत्र की तप्तेश्वरी, कपिल गोत्र की चंडिकेशी, शक्ति गोत्र की कल्याणी, पुलस्त गोत्र की विश्व काम्या, दक्ष गोत्र की लिंगधारिणी, सांख्यायन गोत्र की अमृता, बिल्व गोत्र की बिल्वपत्रिका, भार्गव गोत्र की तारिणी देवी, हरित गोत्र की कुमुदा, धनंजय गोत्र की जयंती, कुश गोत्र की कुशोदका, कौश गोत्र की कुमारिका, कर्दम गोत्र की कोटवी, पाणिनी गोत्र की आरोग्या, कर्ण गोत्र की कीर्तिमालिनी, गोमिल गोत्र की गंभीरा, सुनक गोत्र की सुगंधा, कल्पिश गोत्र की परमेश्वरी, उत्थत्य गोत्र की एकाक्षरा, उत्पत्ति गोत्र की कामचारिणी, उपमन्यु गोत्र की महादेवी, उद्दालक गोत्र की उत्पला, उद्दाह गोत्र की विपुला, उपलभ्य गोत्र की पाटला, व्याघ्रपाद गोत्र की विशाखा, ज्वाला गोत्र की ज्वाला देवी, मांडव्य गोत्र की मांडवी, मनु गोत्र की महालक्ष्मी, अम्बरीश गोत्र की चंडिका, कुश गोत्र की आशापूर्णी, चांदन गोत्र की जगन्माता, धारण गोत्र की कदंबा, आत्रे गोत्र की बिकरा, भांडिल्य गोत्र की मिठेश्वरी, कौलिक गोत्र की सुपर्णा, कृष्णायन गोत्र की वसुजा, वीतिहव्य गोत्र की जम्भिनी, मोद्गालायन गोत्र की व्यापनी, मोसक गोत्र मुकुटेश्वरी, पुण्यासन गोत्र भद्रेश्वरी, कौंडिल्य गोत्र महाबलेश्वरी, गंगासन गोत्र महादेवी या चामुंडा, मैत्रावरुण गोत्र पिंगलेश्वरी, औरब गोत्र शीलमंडिता, धौम्य गोत्र तुलजा देवी, मार्कंडेय गोत्र महाभागा, जैमिनी गोत्र नितंबा, कात्यायन गोत्र कात्यायनी, दालभ्य गोत्र अतिशांकरी, लोंगाक्षी गोत्र लिंगधारिणी, सौनक गोत्र महेशानी, अश्वालयन गोत्र शताक्षी, आपस्तव गोत्र शाकंभरी।
आशा करता हूं कि आप सभी को अपने गोत्र के हिसाब से आपकी जो कुल देवी है उनका नाम पता चल गया होगा। लेकिन इसके बाद भी इसमें भी कोई गोत्र अगर छूट गए हो तो मैंने आपको बताया कि सभी जो देवियां हैं वो माता दुर्गा के ही रूप हैं, तो आप माता दुर्गा के कोई से भी रूप को कुल देवी मानकर पूजा कर सकते हो। वैसे तो जो गोत्र मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी कोई किसी को गोत्र नहीं मालूम है तो माता रानी को ही अपना वो कुल देवी मान सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।